राम राम मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल जेवी न्यूज। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से राजा जनक अपनी प्रजा के लिए एक हल ढूंढते हैं, हल चला करके। और वो जब हल चला रहे होते हैं तो उनका हल एक स्पेसिफिक जगह या एक केंद्र पे जाके रुक जाता है, जहां पे एक उनको टोकरी के अंदर माँ सीता मिलती है। अभी तक उनका नामकरण नहीं किया है किसी ने, लेकिन हमें तो पता ही है। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रकरण दिखाया जा रहा था, राजा जनक को भी ये ज्ञात नहीं था कि ये निवारण है। हाँ, बस यूं कह लें कि एक उम्मीद की किरण और एक आखिरी आशा और आखिरी प्रयास, जिस प्रकार से सारी प्रजा वहां देख रही थी कि आखिरी ही प्रयास है, क्योंकि राजा जनक ने भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि इसके बाद मैं राज्यपाठ त्याग दूंगा। अष्टवक्र जी के सुझाए गए सुझाव के कारण ये सारा प्रकरण बीता। और जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी ने एक सोल्यूशन दिया था कि क्या पड़ोसी राज्यों का इतना ही दायित्व तो बनता है कि वो अन्न, जल और वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाए? नहीं, बल्कि अगर आपके पड़ोसी राज्यों में ऐसा भीषण अकाल पड़ा हो या ऐसा भीषण परिस्थिति आ रखी हो, तो उस राज्य को अपना समझ करके, क्या अगर ये परिस्थिति मेरे राज्य में होती तो मैं क्या करता, वैसे उस राज्य की हमें मदद करनी चाहिए, प्रजा से जाके मिलना चाहिए। राहत सामग्री जब मिल जाती है तो बात यह है कि बड़ा लंबा समय था, 12 वर्ष। अब होता क्या है, प्रजा को भी ऐसा लगने लगता है कब तक पड़ोसी देश हमारी मदद कर पाएंगे और किस दिन हम स्वयं जो है खड़े हो पाएंगे, इस स्थिति में आ पाएंगे कि इससे बाहर निकल पाए। चलिए, फिलहाल मित्रों बहुत ही अच्छा प्रकरण आने वाला है, तो शुरू करते हैं एपिसोड 2 पार्ट 1। आई कहां से, इसके अभिभावक कौन है, कहीं किसी ने इसका परित्याग तो नहीं किया? ठीक कह रहे हैं आप राजन, हमें पता करना चाहिए इसके बारे में। 12 वर्षों से मेरी कोई खुली भूमि दोनों ही बंजर थे, इसका मिलना ये संकेत है कि हमें सुनिश्चित करना ही होगा रानी सुनैना कि इसका कोई अभिभावक है या नहीं। और यदि होगा तो जिम्मेदारी नहीं, माँ के दिल से सोचते समझ रहा हूँ, राजा का कर्तव्य भी है ना। पूरी मिथिला और आसपास के राज्यों में घोषणा करवाई, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस कन्या का कोई परिवार है या नहीं। अवश्य राजन। गाँव में जब बारिश नहीं होती थी तो बैल तरह तरह के चोट किए जाते थे। जब बारिश हो जाए ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए।
के विचार करने वाली बात है। 12 वर्ष मजा मूवी देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री। हाँ वैसे ही वैसे शूट हुआ है। जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुम यही सोच रही हो ना कि ये यहां पर कैसे आया? वर्षों पूर्व महादेव ने इसे हमारे पूर्वज देवव्रत को भेंट में दिया था। क्यों दिया था ये तो कोई नहीं जानता, किंतु अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। तुम्हारे आगमन से इतना बड़ा संकट क्षणों में टल गया। हमारी इच्छा है कि इसका स्पर्श करके तुम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करो। मैं यही सोच रहा था कि ये धनुष उठाएंगी कैसे। ये कहते हैं ना विदाउट फोकस की वजह से सिंपल तरीके से उठाया। यार ये बात चल रही है, हो गया करेगा। प्रणाम शिव। प्रणाम। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सपत्नी पुत्र हैं। मैं देवी मैत्री और देवी कात्यायनी को नमन करता हूं। राजन, जिसके आगमन से मिथिला और आपके परिवार में अपार सुख प्रत्यक्ष हुआ है, उसे ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करें। अपनी पुत्री के रूप में पुत्री के रूप में इसीलिए तो यह आपके जीवन में आई है।
चिंतित है शिवर, हमने उद्घोषणा करवाई है इसके अभिभावकों के बारे में पता लगाने के लिए। हमें उस समाचार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रणाम महाराज। कहो। समस्त मिथिला में उद्घोषणा के उपरांत अस्पष्ट हो गया है, इस कन्या का अभिभावक कोई नहीं है। क्यों राजन, अब भी आपको संदेह है कि यह आपकी बेटी के रूप में प्रकट नहीं हुई है? महादेव का धनुष आपके पूर्वज राजा देवव्रत को उपहार में क्यों प्राप्त हुआ था? आज इसका एक कारण तो स्पष्ट हो गया है, ताकि जब आपको ये कन्या प्राप्त हो, यह धनुष आपको उसकी दिव्यता का बोध करा सके। जिस हर धनु को कोई नहीं उठा पाया, उसे उठाने वाली ये साधारण कन्या नहीं है जनक, ये ईश्वर का वरदान है आपके लिए और मिथिला के लिए। अन्यथा आपको ये कैसे उसी स्थान पर मिली जहां पर आप हल चलाने वाले थे? कैसे उस त्रिशित भूमि में रहकर भी वो जीवित थी? ये आई तो क्यों वर्षा हुई? मिथिला का संकट क्यों टला? स्वीकार कर इसने हमारा जीवन धन्य कर दिया। इसने केवल भूमि की त्रिशिता नहीं मिटाई है, इसने मां के आंचल को सबके अनल सागर से भर दिया है। पुत्री को नाम दीजिए राजा जनक। पता नहीं आपने इस विषय पर गौर किया कि नहीं, लेकिन अभी तक जो हमने सफर तय किया है, इस दौरान एक भी वीएफएक्स का बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो हमने नहीं देखा, यानी अननेसेसरी इमेजिनेशंस नहीं, उन इमेजिनेशंस को नहीं देखा जिनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वो शिव धनुष को जो माता ने उठाया अपने हाथों से, वो कितना सरल रूप से दिखाया है। यहां एक बच्चा अपना हाथ पसारता है और डोरी फंस गई, उड़ गया धनुष, क्या करें, हाँ उड़ गया। क्रिएटिविटी है यार। हाँ, मतलब ये सोचने का तरीका है कि किस तरीके से बिना दिव्यता दिखाए, बिना किसी चीज को हाइपोथिकेटेड करते हो, एग्जैगरेटेड करते हुए उसको लाइन टू लाइन रखने के लिए। सीरियल्स जो आते हैं उसमें जब कोई स्पेशल सीन आने वाला होता है तो स्टार्ट से उसका बीजीएम बजना स्टार्ट हो जाता है और फोकस किया जाता है थोड़ी देर वहीं पे जूम करके, ताकि ये आइडिया लग सके कि किसी से मिस ना हो। एग्जैक्टली। और इसमें इतने सिंपल तरीके से दिखाया कि सडन उन्होंने उठा लिया और पता भी नहीं चला कि वो सीन आने वाला है। मतलब वो गोदी से उठा रहे थे और उन्होंने उठ गया क्या? और वही ये सीन, यही सीन ये एंजॉय करने का तरीका है। हाँ, कि वो सडनली कुछ हो जाए बस। जीवन में कभी भी कुछ प्लान से नहीं होता, सब कुछ अचानक होता है। जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है सीरियल, अभी तो दूसरे एपिसोड के पहले चरण में हम लोग पहुंचे थे, डॉक्यूमेंट्री लग रही है एकदम। मतलब मूवी मुझे लग रहा हमने तुम्बाड़ देखी थी। हाँ, शूटिंग की बात अगर की जाए, तुम्बाड़ अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो देखिएगा जरूर। उसका शूट करने तरीका ही ऐसा था, कैमरा हाँ। एंगल उसमें ऐसा ही, सिनेमेटोग्राफी ऐसी यूज की गई जो नेचुरल होता है ना, नेचुरल वो दिखाया गया है।
ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से सीन को कट करके उठा के कहीं और किया जा रहा है, एकदम सिंपल तरीके से लाइन लाइन टू लाइन चल रहा है। हम गांव वाला सीन कितना प्यारा दिखा रखा है। फिलहाल इस एपिसोड को हमें करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे हम एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।